और यहाँ पे जनेऊ होने के बाद, उपनयन होने के बाद नानी का एकादशी यज्ञ का उद्यापन है। तो नानी नाना बैठे हैं और मामा जी भी बैठे हैं। आज इनकी डबल ड्यूटी हो गई, सुबह भी पूजा करवाया, पूरे दिन है मामा जी, पूरे दिन पूरी रात डबल ड्यूटी। भगवान की सेवा में लगा हूँ। 9 बजेगा कि 7 बजेगा सूर्योदय भी हो सकता है। हाँ, उन्हीं की कृपा से पारुप लगेगा, पूरा होगा। हाँ जी, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां भी लाए हैं मामा जी। ये सारा भी आप ही ने सजाया सिर्फ, या किसी ने हेल्प कराई? अपने आप ही। कितना सुंदर सजाया है। एक और सजाया इकरा की को है मामा जी? इसको सर्वतो भद्र चक्र बोलते हैं। अच्छा, सर्वतो भद्र चक्र। कई देवताओं का वास होता है इसमें और उनकी अलग अलग पृथक पृथक पूजा होती है। अच्छा, और ये प्रधान वेदी कहा जाए, प्रधान पूजा का वेदी। अच्छा, आज की जो पूजा है उसकी प्रधान वेदी है। अच्छा, चलो बना ले। चल, अब उनका देव बदले छोड़। उनका पानियों ने लक्ष्मी दामोदर की पूजा है, भगवान विष्णु। अच्छा, की पूजा है। हुँ? इनके 4 द्वारपाल हैं। ये द्वारपाल है? ये 4 द्वारपाल हैं, इनके रक्षक हैं, जो गेट से अंदर बिना इनके ये जाने नहीं देंगे किसी को भी। चलो अच्छा। और इनका नाम है, एक का सील, दूसरा का सुशील और तीसरा का जय और विजय। शील, सुशील, जय, विजय। अच्छा, बढ़िया। तो एक वहाँ है, एक ये रहे, एक ये रहे, ये सारे द्वारपाल जी हैं। इन्हीं की प्रतिमा लगाई हुई है हमने, और मुझे प्रतिमा नाम भी बहुत अच्छा लगता है। और ई सौप तो दान में दिया है ना मामा जी, जते एक चीज अतर राखल छे सौप तो दान हेते, जो नीडी होते हैं उन्हें दान दिया जाता है। ये भी बेड है, गद्दा है, उस पे मैट्रेस है, चद्दर है, मच्छरदानी भी, मॉस्क्यूटो नेट, कंबल है, सारी चीजें दान में दिया जाएगा। और कितना ही सुंदर सजाया है, और अच्छा सुंदर से सजा दिया है। चारों तरफ केले का पेड़ लगाया है, काट काट के, जड़ से नहीं, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो मैं फोटो खींच लेती हूँ और आगे आपको दिखाती हूँ। तो रात के 3:30 बज गए हैं, थोड़ा सा टी ब्रेक लिया है मम्मी पापा ने 3:30 बजे। यहाँ चाय चल रही है तो मम्मी पापा भी पी सकते हैं क्योंकि बीच में, मगर मंडप पे नहीं पी सकते, मंडप जूठा नहीं होगा। सभी बाहर उतर के पीजिए, हाथ धोइए, फिर गंगा जल से शुद्धिकरण करके फिर अपना मंडप पे जाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप मिला रहे हैं। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला, बाद में आप लोगों को बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, जरूर शेयर करना है ना। अब ये सब करते करते हमें ना मॉर्निंग हो चुका है, करीब 5 बजने ही वाले, और ऊपर दिखा आकाश, सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, सुबह हो गई है। और हम सारे ही लोग, अभी 1 घंटे की पूजा बाकी है इस तरीके से। एकादशी यज्ञ का उद्यापन हो चुका है और हम सभी लोग जा रहे हैं मंदिर पोखर में नहाने। मंदिर पोखर हमारे जस्ट घर के थोड़ी ही दूर पे है, तो व्यू भी दिखाओ उधर का। सभी मिलके नहाएंगे नानी के साथ। हाँ नाना, आगे मन से नीचे है ना कनिक, हमरा याद है।
मम्मी के पकड़बे ना डुबकी लगाब के रहे छे अब सब एक बेर पकड़ते तो छोड़ा डुबकी लगा के रहे छे मम्मी आके तैराओ भैया मैं गए ओए भाई नाना तो बड़े हैवी ड्राइवर नहीं के लिए देख पापा को देख ओए ओए नाना बाबा तैर रहे हैं 50 वर्ष के बाद स्नान जाओ पापा जाए छी ना जाओ एक बार हम बूझ के चल जा हम लोग सभी आ चुके हैं नहा के हम पोखर गए थे यानी कि तालाब जो एकादशी करते हैं उनके साथ ही नहाना होता है तो नहा धो के हम सभी आ चुके हैं जैसा कि आपको दिख रहा है और मिलते हैं फिर ब्राह्मण भोजन के टाइम में या फिर मड़वा पे आप देखो सब कुछ अब एक घंटे की पूजा और रह गई है तो यहाँ पर नहा के पोखर से आने के बाद बहुत सारी विधि विधान से पूजा करने के बाद मम्मी पापा अब नीचे उतर के भी पूजा कर रहे हैं एकादशी का उद्यापन ये कुछ करा रहे हैं पंडित जी और आप देख सकते हैं कि इस रात भर पूजा चली है और सुबह के 8:30 बज चुके हैं 8:30 बजे तक संपन्न हो रहा है यहाँ पे सुबह होने पे सभी आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ही अच्छा लग रहा है 8:30 बज चुके हैं करीब 9:30 हो जाएगा अब आरती होने वाली है आरती हो जाएगी उसके बाद तो ये हमारे ठाकुर जी ना को दियो तो मामा कनी हेलो कह दियो ता ये मेरे छोटे मामा है और ये है जीजा जी लगेंगे तो हम लोग ये ठाकुर सरने में इनका तो हम लोग ठाकुर बोलते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे सब कुछ हुआ और पूजा होने के बाद आरती होगी यहाँ नारायण की पूजा होती है एकादशी के उद्यापन में नारायण की पूजा की जाती है तो बहुत अच्छे से विधि विधान से यहाँ पे नारायण की पूजा की गई है तो इसी को बोलते हैं एकादशी उद्यापन इसे दान दिया जा रहा है गाय माता को दान दिया जा रहा है बाछी बाछी ना बच्चिया है बेटा
गाय नहीं बची है, बची है छोटका बरुआ। ठीक छै शांत भ गेल। अखन बड किछ बाकी छे। ये होता है एकादशी का उद्यापन, ऐसे होता है मिथिलांचल में। चलो अब यहाँ विसर्जन हो रहा है, जो भी पूजा हुई है तो विसर्जन भी होता है और इसके बाद उद्यापन खत्म। पहले घूमो ना, घूमा चले गई। हाँ नहीं देखा गुंडी लक्ष्मी कतेक बार माँ, माँ कतेक बार? तीन बार। यहाँ गले मिलते हुए मामा ठाकुर दोनों भाई। वाला चाय
ले लिया मैंने। गंगा मोटर चालू कर दिए धरे लोग बताबू है धर्म हाथों आ गए।